अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ राइज एंड शाइन स्कूल। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण मुर्तजा ऑफ ग्रेड 5। टॉपिक नंबर 3 फ्रैक्शंस, पेज नंबर 41, 48, 49, 50, 56 एंड 60। टॉपिक नंबर 3 फ्रैक्शंस, लेक्चर नंबर 2, पेज नंबर 56। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव यह है कि स्टूडेंट इस लेक्चर के इख्तिताम पर आसानी के साथ डिवाइड कर सकते हैं फ्रैक्शंस को, या बहुत नंबर में होती हैं या दूसरे फ्रैक्शन के साथ। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पेज नंबर 56 का क्वेश्चन नंबर 4 अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। इसका ए पार्ट है हमारे पास 1/6 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ देखिए हमारे पास 1/6 हमने सीधा लिखा, डिवाइड का डिवाइड, अब 5 दिया हुआ है, उसके नीचे कोई नंबर नहीं है, यानी इसका डिनोमिनेटर मिसिंग था, तो हमने यहाँ पे वो क्या खुद से ऐड कर लिया 1। अब ये बन गया 1/6 डिवाइडेड बाय 5.1। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जब भी डिवाइड की साइन होती है तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है इसकी साइन, तो इसके साथ वाला नंबर को हम ऊपर नीचे लिखते हैं, यानी डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और नोमिनेटर नीचे आ जाता है। तो ये 5/1 था, तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 1/5। अब आमने सामने हम चेक करेंगे, कोई नंबर आपस में कट रहा होगा तो हम उसको काटेंगे, अगर नहीं कट रहा होगा तो हम उसको डिवाइड करके मिक्स नंबर में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 1/6 से नहीं कर सकता और 1/5 से नहीं कर सकता, तो हम नोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ऊपर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 1/1 5/6 30। अब ऊपर नंबर छोटा है तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर है 1/30। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 56 का क्वेश्चन नंबर 4 को अपनी कॉपी में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, डिवाइड द फॉलोइंग, यानी हमें फ्रैक्शंस दी हुई हैं, डिवाइड करना है इन्हें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसका जी पार्ट क्या दिया हुआ है, 3/3/4। अब देखिए यहाँ पे 3 के यहाँ पे हमारे पास क्या नीचे डिनोमिनेटर नहीं था, तो 3/1 हमने इसका 1 जो डिनोमिनेटर हमने खुद से ऐड कर लिया, तो ये बन गया 3/1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, इसके साथ वाला जो फ्रैक्शंस होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, यानी नोमिनेटर ऊपर चला जाता है और डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है। तो डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया। अब यहाँ पर था 3/4, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जब डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुई तो 4/3 बन गया। ये हमने इसका नोमिनेटर ऊपर ले गया और डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर हम ऊपर ले गए और नोमिनेटर्स को हमने नीचे लिख दिया, तो ये बन गया था 4/3। अब हम देखेंगे आमने सामने कोई नंबर कट रहा है, यानी 3 3 से कटता है, 3 1 3 3 1 3। अब ऊपर क्या नंबर बचा हमारे पास, 4 1 4 और 1 1 1, यानी 4/1 या 4 हमारे पास आंसर आ गया इसका। इसी तरह इसका एल पार्ट है हमारे पास 7/3 डिवाइडेड बाय 14/15। तो हमने क्या किया, 7/3 लिखा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया। जब डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज होती है तो उसके साथ जो नंबर होता है वो हम ऊपर नीचे लिखते हैं, यानी हमारा नोमिनेटर ऊपर चला जाता है और नोमिनेटर नीचे आ जाता है और डिनोमिनेटर हम ऊपर लिख देते हैं। तो ये था हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में 14/15, तो नीचे आके क्या हो गया है हमारे पास, ये 15/4। अब हम देखेंगे आमने सामने कोई डिजिट आपस में कट रहा है, यानी 3 के टेबल में 15 आता है, तो 3 1 3 3 5 15, 7 1 7 7 2 14। अब आगे मजीद कोई नंबर आपस में नहीं कट रहा, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 1 5 2 1 2। अब 5 ऊपर बड़ा नंबर है तो हम इसको मिक्स डिवाइड करके मिक्स नंबर में चेंज कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 1/2। स्टूडेंट, आज की डायरी है, आपने पेज नंबर 56 का क्वेश्चन नंबर 4 का बी के पार्ट अपने कॉपी में कंप्लीट सॉल्व करना है।